अवैध संबंधों के चलते पिता ने पुत्री की गोली मार कर की हत्या। बेटी के अवैध संबंधों के चलते पिता ने अपनी बेटी को मारी गोली। वहीं घटना के बाद सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम को भेजा। आरोपी पिता को गिरफ्तार करते हुए आला कत्ल भी बरामद। घटना अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के गांव नंगला कसाओ की है। तुम्हारा? मेरा नाम छोटे खान। कहाँ रहते हो? नंगला कसाओ। ये सब 2 महीने पहले लड़की चली गई थी, उसके बाद में दरवाजी पकड़ लाई बरला थाने में। 8-10 दिन बाद उसमें माँ बाप ने समझा के बेटा कि अंत शादी का टन है, अंत का टन है शादी। इसे न मार के दी तो बाप ने गोली मार दी। गोली मार दी? मैंने सुना। लड़की में 18-20 साल की है। 18-19 साल की। तो किसके साथ चली गई थी लड़की? कितने दिन पहले? मैं नाम ना जानता उसके साथ, ये बात ईमान नहीं बता रहा। तो कितने दिन पहले चली गई थी लड़की? अरे 1.5 महीना हुआ, 1.5-2 महीने। लड़की जिसके बाद आई थी वो हिंदू था या मुसलमान था? वो हिंदू था, जाके साथ गई। अच्छा, वो हिंदू था। हाँ, ये मुसलमान लड़की। ये मुसलमान लड़की है। पिताजी की उम्र कितनी होगी इनकी की? करीब 60-65 की होगी। तो ये वहीं के रहने वाले हैं? नंगला, बराबर नंगला है। कौन सा नंगला है? नंगला खारी के रहने वाले हैं वो। ये हम लिए नंगला कसाब के रहने वाले हैं। नंगला कसाब लड़की, नंगला कसाब। तो जो गोली मारने के बाद आरोपी का पिता का थाने पहुँच गए थे? हाँ, वो तो थाने में। अच्छा, दिनांक 16/9/2022 को रात लगभग 2 बजे थाना बरला पर सूचना प्राप्त हुई कि नंगला कसाब गांव के एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री को गोली मारकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और संबंधित घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए तत्काल वहां से जिस जो आला कत्ल था उसे भी बरामद कर लिया गया और बॉडी को मोर्चे भिजवा दिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए प्रधान पति के द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर मुकदमा अपराध संख्या 185/22 धारा 302 में थाना बरला पर पंजीकृत किया गया है। अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाए।